तो हेलो गाइस, आप कैसे, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे दोस्तों। तो चलिए इस फोटो को एडिट करेंगे दोस्तों, इस सीवी एडिटिंग करेंगे दोस्तों। तो ये पिक्सार में फोटो ओपन कर लिया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं कमाते, जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तों। इस टाइप की फोटो एडिट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको लाइट एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ जल्दी से दोस्तों। यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लेना है दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। इतना काम करने का दोस्तों आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करके डन कर देना है। तो दोस्तों डन हो चुका है। इसके बाद जाना है आपको फैक्स में। फैक्स में आने के बाद दोस्तों आपको जाना है इस साइड, नीचे के साइड में दोस्तों, यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा आपको आर्टिकेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखिए। और इसके बाद आ जाना है इस साइड। इस साइड आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट से थर्ड नंबर के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको नेट भी कनेक्ट कर लेना है ताकि दोस्तों ऑटोमेटिक करके जल्दी आसानी से आप काम आसान बना सके दोस्तों। इतना काम हो चुका है। इसके बाद आपको इसमें कलर करना है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई के बाद दोस्तों आपको इसका जो फैड दोस्तों एकदम पानिश कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको चला जाना है ऊपर के साइड, इरेजर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इरेजर पर क्लिक जैसे करेंगे दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे ओपन होकर। तो आपको यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो जैसे बैकग्राउंड क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद एक बार और आपको राइट में क्लिक कर देना दोस्तों। तो बैकग्राउंड देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हो चुका है। इसके बाद आपको एक बार फिर से इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद दोस्तों फिर से आर्टिकेटेड में क्लिक करना हो दोस्तों। यहाँ पर सेकेंड बार या दूसरे नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आपको फिर से वही प्रोसेसिंग करना है दोस्तों जो अभी आप कर चुके, वही बार एक बार और फिर से दोहराना है। तो यहाँ पे इतना मैंने कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका जो फैट दोस्तों एक कम कर देता हूँ। और इसके बाद ऊपर के साइड आपको इरेजर पे जाना है। इरेजर पे जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है एक बार और। तो दोस्तों इतना काम हो चुका है। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों फिर से एक बार राइट पे क्लिक करेंगे आप तो कुछ इस तरह से फोटो आ चुकी है दोस्तों। आप देखिए बैकग्राउंड एकदम बहुत ही अलग टाइप के दिखने का, डिफरेंस दिखने का दोस्तों। इसके बाद फिर से आपको इफेक्ट्स में क्लिक करना है एक बार। और इफेक्ट्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ ब्लर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको ब्लर पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही ब्लर पे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे। तो आपको सेकंड नंबर का जो ब्लर है दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए कुछ इस तरह से ब्लर हो जाएगा। इसके बाद आपको इरेजर पर क्लिक करना है ऊपर के साइड में और यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इरेजर पर जाना है और जो हिस्सा से गलती से ज़्यादा इरेज हो चुका है दोस्तों, हार्डनेस फुल्ली कर लेना है ऐसे, और साइज कम कर लेना है और वो इरेज कर लेना दोस्तों। जैसे ट्रीक वगैरह दोस्तों तो इसको ऐसे इरेज करेंगे आप। इसकी ब्रश की साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो जैसा कि आपको दोस्तों मालूम है जो ट्री है दोस्तों, इसको मुझे ब्लर नहीं करना था पर हो चुका था दोस्तों। तो आप यहाँ पर रिस्टोर करके दोस्तों यहाँ ब्लर भी कर सकते हैं जो गलती से हो गया हो दोस्तों, इरेज हो चुका हो। अगर आप इरेज करना चाहते हो तो इरेज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो मैं इसको देखिए आपके सामने बराबर काम कर चुका हूँ दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, राइट भी क्लिक कर देना कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको ब्लर कर सकते हैं, आप देखिए बैकग्राउंड। तो मैं इसको इतना ही करता हूँ थोड़ा सा, बस होगा दोस्तों। यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है आपको। तो दोस्तों हो चुका इतना काम। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है फोटो को यहाँ पे जाकर दोस्तों। इसके बाद आपको स्नैपशीट में ओपन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्नैपशीट में ओपन, आपको मिलते हैं स्नैपशीट में ही दोस्तों। तो दोस्तों स्नैपशीट में ओपन कर लिया। उसके बाद आपको आ जाना दोस्तों नीचे के साइड में, यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिख रहा है, पोर्ट्रेट में दोस्तों आपको क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये देखिए आप। इसके बाद आपको नीचे के साइड में जाना, स्क्रीन स्मूथ में दोस्तों फुल कर देना है, तो स्क्रीन है जो दोस्तों स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद आप आइस वगैरह करना चाहते हैं दोस्तों बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो इतना काम हो चुका दोस्तों। इसके बाद आपको फिर से एक बार टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस फोटो को दोस्तों स्मूथ करेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, आपको बताता हूँ। आपको लेंस ब्लर में क्लिक करना है। लेंस ब्लर में क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको इतना स्मूथ कर देते हैं और यहाँ पे इसको फुली मानिश करेंगे। यहाँ पे फुली मानिश करेंगे दोस्तों और फिंगर की मदद से, सॉरी जो दोस्तों गोल है ना, इसको फिंगर की मदद से छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर ला के छोड़ देना दोस्तों। यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना, नीचे के साइड में देखिए अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ तीर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बैब एड्रेस में क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे लेंस ब्लर पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों ब्रश दिख रहा है, ब्रश पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपको यहाँ पे -75 कर देना है दोस्तों, -50 कर देना है। और 50 करने के बाद दोस्तों ये देखिए गोल दिख रहा है। इसके बाद चलिए जल्दी से हम इसको स्मूथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो चलिए कर लेते हैं।
तो दोस्तों स्मूथ भी हो चुका है, देखिए आप ऐसे इस तरह से कुछ दिख रही है दोस्तों फोटो। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद दोस्तों आप डन करके इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों, बाकी काम आप लाइट रूम में जाके कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।